आज दिनांक 17 जून को झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के महासचिव प्रोफेसर परवेज अख्तर का गोमो स्टेशन पर स्वागत हुआ। स्वागत करने मोमिन युवा नेता एवं आजसू नेता महबूब अंसारी एवं उनके साथी आए। परवेज अख्तर ने बताया कि मैं झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के आदरणीय उपाध्यक्ष जनाब शादाब मन्नान द्वारा पूरे झारखंड में मोमिनों के शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मजबूती के लिए पूरे झारखंड में दौरा करना है। आगे उन्होंने बताया कि पूरे झारखंड में माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में जिस तरह सरकार ने कोविड-19 के पहले एवं दूसरे लहर में हम सभी के जान की हिफाजत के लिए रणनीति बनाया और जेएमएम के सशक्त नेता एवं माननीय शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो जी के लिए जो समर्पण दिखाया वो रहती दुनिया याद करेगी। परवेज अख्तर ने कहा कि आज मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही एवं झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के महासचिव होने के नाते अपील करता हूं कि मेरे मोमिन युवा नेतागण 2024 लोकसभा की तैयारी के लिए एक एक मोमिन को जगाए, क्योंकि 2024 में किसी न किसी सेक्युलर पार्टी से धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग, गिरिडीह एवं कोडरमा लोकसभा से मोमिन अपनी दावेदारी करेगा, जिसको पार्टियाँ भी मनवानेगी। अंत में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष शादाब मन्नान साहब, महासचिव अधिवक्ता एजाज अली साहब, करीम अंसारी दहबब, धनबाद जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष निसार आलम साहब के साथ जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस के कमेटी के ऐलान करूंगा और तोपचाची के युवा नेता महबूब आलम अंसारी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर मोमिनों को नया नेतृत्व दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं झारखंड टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप मेरे आगमन पर यहाँ उपस्थित हो गए और झारखंड टीवी में देख रहा हूँ कि झारखंड के जन जन तक पहुँच रहा है, ये बहुत बड़ी सफलता है। मैं परवेज अख्तर अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। मैं गया की धरती से चलकर झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते झारखंड की धरती पर दौरा के नियत से आया हूँ और मैं सबसे पहले गोमो आया हूँ, जहाँ हमारा भाई महबूब और हमारे बहुत से मोमिन कॉन्फ्रेंस के नौजवान लोग आए हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग आए। हमारा मेन मिशन यही है कि झारखंड की धरती पर जो मोमिन कॉन्फ्रेंस है, जो एक सामाजिक संगठन है, जो चाहती है कि मोमिनों की शैक्षिक स्थिति अच्छी हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, सामाजिक अच्छी हो और राजनीतिक गतिविधि उसकी बढ़े, राजनीति में हिस्सेदारी झारखंड में आए और झारखंड में महतो, आदिवासी और मुसलमान एक साथ मिल जाए तो झारखंड की धरती पर तीनों का उत्थान भी होगा और झारखंड बहुत अच्छा से चलेगा भी, मैं इसका यकीन दिला सकता हूँ। आज झारखंड की सरकार है, हेमंत सोरेन ने जिस जगन्नाथ महतो को एक नई जीवन दे के बुलाया, उनकी इंसानियत और हमदर्दी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और फ़ख्र है हमें ऐसे वजीर आला पर काम कर रहे हैं। अभी अभी मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद हो गया है कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, केंद्र की सरकार को हमको हटाना है, उसके लिए मोमिन कॉन्फ्रेंस घर घर तक जाएगी, एक एक लोगों को बेदार करेगी और सबको तैयार करेगी ताकि हम गिरिडीह लोकसभा, हम गोड्डा लोकसभा, हम धनबाद लोकसभा, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा में अपने मोमिन लीडरों को तैयार करेंगे और वहां से मोमिनों को जिताकर इतिहास रचेंगे। यही हमारा मेन मकसद अभी चल रहा है। इस सिलसिले में मैं यहां गोमो से अभी जाऊंगा तो चाची होते हुए मैं धनबाद पहुंचूंगा, धनबाद शाम में हमारी मीटिंग है, फिर रांची के लिए हम प्रस्थान करेंगे। पूरे झारखंड में हमारा दौरा है कि 2024 में हम कैसे मोमिनों के लीडर को निकाल कर लोकसभा में भेज सकते हैं। सर अपना परिचय देंगे? परवेज अख्तर अंसारी, जनरल सेक्रेटरी, झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067527।